अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा परवीन चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूट की डिज़ाइन की वीडियो। तो चलिए आज हम वीडियो को सीधा स्टार्ट ही कर देते हैं। स्लीव्स मैंने इस तरह से काटा है, कपड़ा कम होने की वजह से यहाँ बीच में जॉइंट आ रहा है, तो बीच में जॉइंट आ रहा है तो यहाँ मैं लेस लगा दूँगी, जिससे एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और स्लीव्स भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम ये सीधी वाली लेस लेंगे जिसके दोनों तरफ से बॉर्डर है। उसको हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और लेस को ऊपर रख करके हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम पूरा सिलाई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं बनाते रहती हूँ, सिलाई से रिलेटेड वीडियो मैं बनाते रहती हूँ। तो अगर आप सिलाई में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में लेस लगा लिया है, ये देखिए। और उसके बाद हम उसके बाहीं में भी लेस लगाएंगे, तो हम उसमें चौड़ी वाली लेस को यूज़ करेंगे। ये हम पूरा सिल के निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बाहीं में लेस लगाएंगे। तो ये मैंने पूरी लेस लगा लिया है, अब हम इसमें चौड़ी वाली लेस लगाएंगे। आप कुछ और भी लगा सकते हैं, तो ये वाले मैं लेस लगा रही हूँ जिसके दोनों साइड में बॉर्डर है। इस तरह से कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और उसमें हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। गाइस, मैंने पिछली बार जो वीडियो डाला था कटिंग का, अनारकली कटिंग का वीडियो, तो वो वाला वीडियो अभी तक मैंने स्टिच नहीं किया है, इसलिए वीडियो डाला नहीं है। कोशिश करूँगी नेक्स्ट बार मैं वो वीडियो डाल दूँ, क्योंकि ये सूट को मुझे पहले रेडी करना था, इसलिए इसका वीडियो डाल रही हूँ। जब मैं इसे बना रही थी तो सोचा इसको भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये हमारा स्लीव्स तैयार हो चुका है, बस कुछ करना नहीं है, इतना ही सा है। और साइड से हम इसे में सिलाई लगा देंगे। सूट की कटिंग का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है अपने चैनल पे, जिसका लिंक मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये देखिए, ये हमारा स्लीव्स तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स को भी तैयार कर लेंगे। अब हम सूट को तैयार करेंगे। तो सूट के लिए सबसे पहले हम जो सूट में टाई पट्टी होता है उसे मैंने निकाल लिया था। निकालने के बाद इस तरह से हम उसमें लेस को लगाएंगे। लेस को हम टाई पट्टी के सब तरफ से लगा लेंगे, इस तरह से। यहाँ पर ही हम तिरछा करके इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे, फिर इस तरफ भी हम इस तरह से कॉर्नर बना करके सिलाई लगाएंगे। और इसमें भी हम इसी तरह से सिलाई लगा के टाई पट्टी को रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा टाई पट्टी रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, ये सूट है, इसके हम एकदम सेंटर पे निशान लगाएंगे और इस तरह से रखेंगे बीच में गले के, और फिर हम इसको इसमें सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने टाई पट्टी को अटैच कर लिया सिलाई लगा के। अब हम यहाँ पर ही एक मतलब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल निशान लगा करके इस तरह से पूरे नीचे तक का, दामन तक का, और वहाँ पर ही हम लेस को लगाएंगे। तो ये वाली लेस को हम इस तरह से रख करके इसमें सिलाई लगाएंगे।
और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे लेस लगा करके। यहाँ से देखिए इसी तरह से सिलाई लगा के हम दूसरी साइड भी लेस को अटैच कर लेंगे। इस तरह का डिज़ाइन आप प्लेन सूट में भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। उसके बाद हम ये दामन को डबल फोल्ड करके 5 इंच, तकरीबन 5 इंच मैंने इसे कट किया है कपड़े को, इस तरह से 5 इंच का कपड़ा कट कर लेंगे और इसमें हम फिर लेस लगाएंगे चौड़ी वाली। आप अपने हिसाब से कोई भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप सीधी लेस लगाएं जिसमें दोनों तरफ बॉर्डर होता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और ऊपर लेस रख करके हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह को हम सिलाई लगा के लेस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और जो मैंने कपड़ा काटा था उसको फिर हम इसके नीचे अटैच करेंगे इस तरह से। वीडियो में आपको आई होप सारा कुछ क्लीन समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम दामन को भी तैयार कर लेंगे। अब नीचे की साइड में हम पतली वाली लेस को लगाएंगे। तो नीचे की साइड हमने फोल्ड करके रखी हुई है, इसको हम ऊपर से लगाएंगे। तो गाइज हमारा कुर्ता रेडी हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।